कुछ दिनों से तो फेसबुक पे बहुत ज़्यादा ये वीडियो वायरल हो रही थी, पता नहीं यूट्यूब पर हो रही थी कि नहीं, मैंने यूट्यूब पे नहीं देखा, मैंने फेसबुक पे देखा। अब उस पर जब कार्यवाही हुई है कल 16 तारीख को और आज उसकी न्यूज़ पहुंची है मेरे पास, तो मैंने सोचा कि इस बारे में अच्छे से जो भी डिटेल्स हैं बताइए, बात की जाए, और कुछ जो पहलू हैं आप लोगों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। वो वीडियो बहरीन की थी जिसमें दिख रहा था कि दो महिलाएं हैं, एक महिला मूर्ति को, गणेश जी की मूर्ति को उठा के तोड़ रही है, एक एक करके दो तीन मूर्तियां उसने तोड़ी, किसी स्टोर में थी जहाँ पे मिलता होगा। तो यहाँ पे बहुत लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, जाहिर सी बात है गणेश चतुर्थी भी आ रही है और ये सब चीज़ें देखने को मिल रहा है। तो और वीडियो आपको मैं पहले दिखा देता हूँ, और उस वीडियो में उसने कुछ अरेबिक में कहा है जिसके बारे में भी न्यूज़ में कोट किया गया, तो कोट कर दिया गया, तो मुझे समझ में आया अरेबिक में वो ये कह रही थी। هذه بلد مسلم صح؟ مو من كافر صح؟ اوكي انت مسلم؟ انت مال كفر صح ولا لا؟ هذه ديرة حمد بن عيسى. حمد بن عيسى يرضى بهذا؟ يلا جيب منها بات شوف منو اللي يعبد الاصنام هني. ظهر الكبير خسري النبي ابراهيم كسر الكبير فيهم بعد. يلا يا شيخ هندو بايو سير بنو جواب دو نا سير بن سكو तो शेयर करो, दबा के शेयर करो। तो पता नहीं आप लोगों को समझ में आया होगा कि नहीं, वो कह रही थी कि ये एक मुस्लिम कंट्री है और ये बोल के उसने तोड़ा। अब इसके दो तीन मतलब निकलते हैं क्लियर कट, बेवकूफ़ भी समझ जाए और वो भारत के सेकुलर लोग भी समझ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वो ये कह रहे हैं कि हम एक इस्लामिक कंट्री में, मुस्लिम कंट्री में, किसी और रिच कल्चर को, किसी और का मतलब ये नहीं है कि इस्लाम एक रिच कल्चर है, इस्लाम इज जस्ट अ मजहब, किसी रिच कल्चर को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी भी रिच कल्चर को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी भी फेथ को हम एग्जिस्ट होने नहीं दे सकते। ये तो कुरान के रूट हैं, कुरान में ये है, अगर आप नहीं जानते तो आप पढ़ लीजिए, और नहीं तो मेरे पास भी कुरान रखी है, मैं देख के फ़ोटो खींच के डाल दूँगा किसी दिन अलग वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। कोई मूर्ति पूजा कर रहा है चाहे भले नॉन मुस्लिम है, वो भी करने नहीं दे सकते। आपने जाकिर नायक के मुँह से तो ऑलरेडी सुना होगा, उससे ज़्यादा किसने कुरान पढ़ी होगी। कोई आइडल है, कोई मूर्ति है, तो उसको आप रहने नहीं दे सकते, सब कुछ तोड़ना फोड़ना, सबको डिस्ट्रॉय करना, मतलब ये सब चीज़ें हैं। तो एक और, अगर आप मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री हैं, अगर आप मेजॉरिटी में हैं, तो आपको माइनॉरिटी के साथ क्या करना है, रहने देना है कि नहीं रहने देना, कन्वर्ट कराना है वगैरह वगैरह, अगर वो कन्वर्ट हो जाता तो ठीक है, नहीं तो वो जिम्मी है, उसे जजिया देना ही पड़ेगा। ये तो तमाम चीज़ें, एक और एग्जाम्पल दूंगा, थोड़ा रुक जाना। तो खैर बहरीन गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया है, आप को मैं ट्वीट दिखा देता हूँ, ऑफिशियल ट्वीट है 16 तारीख का। तो ये अच्छी बात है वीडियोस को वायरल कराने का, कम से कम वहाँ की गवर्नमेंट तक तो बात पहुँची कि ये सब भी चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने बाकायदा मेंशन करते हुए भी एक्शन लिया है कि आप पर्टिकुलर सेक्ट की फीलिंग्स को हर्ट हो किया जा रहा है। और ऐसा आपने मूर्तियाँ तोड़ने का एग्जाम्पल आप पहली बार नहीं देख रहे हैं। पाकिस्तान में अभी गौतम बुद्ध की जो मूर्ति तोड़ी गई अराउंड 1700 साल पुरानी, लोग कह रहे हैं कि इतनी पुरानी मूर्ति थी, तो वो तोड़ दिया गया बहुत बेरहमी से। वहाँ पे मंदिर बननी थी भले अपीजमेंट की पॉलिटिक्स से, तो उसकी नींव जो रखी गई वो तोड़ दी गई, उस पर नमाज और अजान वजान सब दी गई। पाकिस्तान में ऐसे कई अभी जो पत्थरों को बिगाड़ा जा रहा था, बुद्धिस्ट जो भी स्क्रिप्चर्स थे वो ख़राब किया जा रहा था। इजिप्ट में इन्होंने कितना इजिप्शियन कल्चर का सब बर्बाद किया। और इंडिया का एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, 40,000 का एक तो रफ नंबर है, इसके आसपास हमारे यहाँ मंदिर तोड़े, और ज़्यादा कुछ नहीं किया मस्जिद बनाने के लिए, ऊपर का हटा के गुम्बद डाल दिया। ठीक, तो ये रिज़ल्ट है कि भारत में दुनिया की सबसे ज़्यादा मस्जिदें हैं, 3 लाख के आसपास।
और फिर भी ये देश क्या मुनल होता जा रहा है भाई, मुसलमानों के लिए सेफ़ नहीं है। और अभी जो हम लोग राम मंदिर का देख रहे हैं, जो हमने केस जीता, अब मतलब एक ऐसे देश में जहाँ की मेजॉरिटी कुछ चाह रही है, वो अपने यहाँ के कोर्ट से ऑर्डर ला के भी कुछ करा रही है, तब भी लोगों को खुशी नहीं है। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या मिलेगा इन लोगों की मनमानी का। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ये जो अरब वर्ल्ड है, इस्लामिक वर्ल्ड है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हो ही गया होगा, तो मुस्लिम कंट्री होने के नाते, इस्लामिक कंट्री होने के नाते, मैं एक सवाल पूछूं, जब हमारे देश के टुकड़े हुए, पाकिस्तान जब बना, कि उसको एक इस्लामिक कंट्री चाहिए, उस वक्त के लोगों को चाहिए थी, तो इस्लामिक कंट्री जब वो बना तो उसने उस वक्त के बाद दुनिया को आतंकवाद के अलावा क्या दिया है? दुनिया जब पाकिस्तान का नाम लेती है तो आतंकवादी या टेररिज्म फैलाने के अलावा उसे किस बात के लिए याद करती है? दहशतगर्द मुल्क के अलावा पाकिस्तान किस बात के लिए जाना जाता है? सिर्फ शायद इस बात के लिए कि कभी वो भारत का हिस्सा था, बस, और कोई तो बात नहीं नज़र आती मुझे। तो इस्लाम की नींव पे अगर कोई देश बने और वो सिर्फ इस बात के लिए जाना जाए, तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग प्रूफ है कि आतंकवादियों का मज़हब होता है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं मुद्दों को डाइवर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन जब सामने से चल के वही लोग बता रहे हैं कि हम हैं ही ऐसे, हमारी करतूते यही हैं, ये वीडियो में देख लो, ये हमारी हरकत देख लो, तो भाई अगला तो बोलेगा ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कोई नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और बिना सब्सक्राइब के देख रहा हो तो बिल्कुल कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो ना, शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।